गूगल सीलिंग फैन ऑन। टर्निंग ऑन द सीलिंग फैन। गूगल सीलिंग फैन ऑफ। Got it. Turning off the ceiling fan. Google LED bulb off. Okay, turning the LED light off. Google LED bulb on. All right, turning on the LED light. Google ceiling light on. Okay, turning on the ceiling light. आप लोग इससे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपका स्विच बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हमारा फैन ऑफ हो चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर सारे स्विच बिल्कुल आसानी से बने हुए हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हमें तो आप देख रहे हैं मिस्टर इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप लोग अपने रूम को स्मार्ट रूम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आज हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोग अपने रूम की जो लाइटें या जो फैन होते हैं उसको आप लोग अपने मोबाइल से ऑन ऑफ करवा सकते हैं, गूगल असिस्टेंट के माध्यम से ऑन ऑफ कर सकते हैं, अमेजॉन अलेक्सा के माध्यम से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले कि आपको कौन सा डिवाइस लेना है, इसका कनेक्शन कैसे करना है, वायरिंग कैसे करना है, इसको फिटिंग कैसे करना है और इसका प्राइस क्या है। आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलती रहेंगे। तो चलिए कि आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रूम बना हुआ है और यहाँ पर रूम में हमारे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर नॉर्मली हमारे स्विच से यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ हो रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे स्विच को ऑन करते हैं तैसे हमारे यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है, जैसे स्विच को ऑफ करते हैं तैसे हमारे यहाँ पर लाइट फैन पंखा ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्मार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जो कि आप लोगों को भी दिखाएंगे और उसका कनेक्शन कैसे करना, वायरिंग कैसे करना है, टोटल आपको जानकारी देंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर फैननी कंपनी का एक यहाँ पर डिवाइस आ चुका है जिसको फिटिंग करके हम अपने बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड बनाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसानी से ऑन आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग इसका MRP देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लिखा हुआ है, 2899 रुपये लिखा हुआ है। बट मैं आपको बताऊंगा कि इसको कितने रुपये में लेना है और इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर इसका परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। यहां पर सारे फीचर्स दिए हुए हैं, इसको तो हटाते हैं और सीधा इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमको इसके अंदर कैसा डिवाइस मिल जाता है और आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसको अपने बोर्ड के अंदर कैसे फिटिंग करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमको काफ़ी छोटा डिवाइस मिल जाता है और इसमें आप लोग देख सकते कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है। यहाँ पर आपको वायर फिटिंग करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर वायर फिटिंग करना है और इसका कनेक्शन करना। अभी आपको सारी जानकारी सारा डिटेल्स इस वीडियो में दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते लिखा हुआ है Line 1, Line 2, Line 3 और एक लाइन, एक न्यूटन, एक कॉमन का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ जिसमें हम यहाँ पर अपने वायर को फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लाइन, न्यूट्रल और यहाँ पर कॉमन के वायर को फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने बोर्ड में इसका कनेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कनेक्शन कैसे करना, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या करना है, दो छोटे छोटे वायर के टुकड़े लेने हैं और लाइन वाले में लाइन लगा देना है, न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक न्यूट्रल वाले पॉइंट में इसको जो है वायर को लगा दिया, ब्लैक कलर के वायर को लगा दिया है और इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया, इतना छोटा हमने यहाँ पर वायर को लगा दिया। अभी आपको बताएंगे इसको कैसे फिटिंग करना है, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे इसको अपने उस बोर्ड में सेटअप करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अब चलिए लाइन वाले में एक जेड वाला वायर को लगा देते हैं, उसके बाद एक कॉमन वाला जो है इसमें भी हम एक जेड वाला वायर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पास एक जेड वाला वायर है जिसको हम फेज वाले मतलब लाइन वाले पॉइंट में इसको लगा रहे हैं और इसको एकदम अच्छे से फिटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको भी बिल्कुल आसानी से लगा दिया। अब हमारे पास एक कॉमन वाला पॉइंट है, इसमें भी
एक जेड वाले वायर को लगा देते हैं, फिर इसको लेकर चलते हैं अपने बोर्ड के पास और इसको फटाफट से कनेक्शन करते हैं और आपको सिखाते हैं यहाँ पर आप लोग कैसे इसका कनेक्शन कर सकते हैं। जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और वो लोग इसका कनेक्शन करके कहीं पर फिटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारा कनेक्शन हो चुका है, अब यहाँ पर हमारा जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उसके पास हम आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको बोर्ड के अंदर कनेक्शन करेंगे। बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और समझना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस बोर्ड को खोलेंगे, उसके बाद जो है अपने इस बोर्ड के अंदर इसको फिटिंग करेंगे, इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रू है, स्क्रू के माध्यम से दोनों पेज को अच्छे से खोल देंगे और उसके बाद इसमें हम आपको फिटिंग करके दिखाएंगे आपको कैसे इसको फिटिंग करना है, इसका कनेक्शन और वायरिंग कैसे करना है, इसको अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लाइन वाला पॉइंट है जहाँ जिस स्विच को हमको करना है, तो हमारे 3 पॉइंट का यह स्विच है, मतलब 3 वे का है हमारा ये, तो इसको हम 3 स्विच को करेंगे, एक लाइट, फिर एक दूसरी लाइट, एक हमारा फैन, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो जहाँ पर स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जहाँ पर लाइन वाला वायर लगा उसको यहाँ पर जो बिजली से लाइन आया उसको हमने यहां पर कटिंग कर दिया और हमारे जूम के सारी लाइट यहां पर चली गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा यहां पर जो कॉमन वाला वायर है इसको लगा देंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में, जो जो स्विच को करना है उन सभी के नीचे वाले पॉइंट में हमको इस कॉमन वाले वायर को लगाना है। तो हमने यहां पर 20 से वायर कट कर दिया था, अब इस कॉमन वाले वायर में जो हमारा कॉमन वाला वायर है इसको लगा देंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। उसके बाद जो हमारा लाइन वाला वायर रहेगा उसको लगाएंगे लाइन में, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में, और जो बाकी और वायर है उसको आपको बताते हैं कैसे यहाँ पर लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पर कॉमन वाले वायर को लगा रहे हैं और आपको ऐसे बिल्कुल आसानी से लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं जितने स्विच लगे, मतलब हमको यहाँ पर 3 वे का ये हमारा स्विच है, वाईफाई स्विच है, तो यहाँ पर 3 स्विच में क्या करेंगे, कॉमन वाले वायर को लगा देंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, जितने हमारे एलईडी बल्ब और फैन है, मतलब एक फ़ैन का वायर और 2 एलईडी बल्ब के वायर को क्या करना है, इसको निकालना है और जहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लिखा है एक एक में सभी में जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक अपने फ़ैन के वायर को निकाल लिया है जिसको लाइन 1 में जोड़ेंगे, उसके बाद एलईडी बल्ब के वायर को निकालेंगे उसको लाइन 2 में जोड़ेंगे। उसके बाद अगर आपके वहाँ कोई और लाइट है तो आप लोग उसको भी जोड़ सकते हैं 3 वाले पॉइंट में। अगर आपके वहाँ कंसील लाइट या ट्यूब लाइट या आपके कोई सीलिंग लाइट है तो आप लोग उसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा 3 चैनल का डिवाइस है, इसका एक 4 चैनल का भी आता है जिसमें आप लोग को 4 स्विच को आप लोग वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, 4 चीज़ें आप लोग अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने फ़ैन को लगा दिया। आप क्या करेंगे, अपने जो हमारा एलईडी बल्ब लगा हुआ है उसका वायर हम लाइन 2 में लगा देंगे, उसके बाद हमारे पास एक एलईडी बल्ब और लगा हुआ है जिसको लाइन 3 वाले पॉइंट में लगा देंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। बस आपको बिल्कुल आसानी से इस वीडियो को देखना और समझना कि यहाँ पर कैसे कनेक्शन करना है, ऐसे ही आपको कनेक्शन करना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी लाइन चालू करके दिखाएंगे, मोबाइल से ऑन करके दिखाएंगे आपको यहाँ पर कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इस डिवाइस का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, आपको ये 1500 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप लोग 4 चैनल का लेते तो आपको 1800-1900 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पर 2 में लगा दिया। आप क्या करेंगे, एक अपने एलईडी बल्ब के वायर को और निकालते हैं और इसको भी लगा देते हैं लाइन 3 वाले में, ठीक है। यहाँ फैन एलईडी बल्ब के वायर हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपको किस में लगाना है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल आसानी से सारे कनेक्शन कर सके, कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग इसको फिटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लाइन 3 वाला वायर इसको भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारे एक लाइन और एक न्यूट्रल का वायर बचा हुआ है उसको लगा देंगे लाइन वाले लाइन में और न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे डिवाइस में यहाँ पर 3 वायर निकले हुए हैं, इन वायर को कहाँ पर लगाना है आपको ध्यान से वीडियो अब देखना है, ठीक है, और समझना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जहाँ से हमने अपने फ़ैन और ट्यूबलाइट और यहाँ पर सीलिंग लाइट के यहाँ पर वायर निकाले हैं, मतलब एलईडी बल्ब के वायर निकाले हैं, उसी स्थान पर आपको ये जो 3 वायर निकले हुए हैं उनको वायर को लगा देना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ से हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट से वायर निकाले, मतलब स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से निकाले हैं, उसी में आपको इन 3 वायर को एक एक करके लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, स्विच के फर्स्ट वाले जिसमें हमारा फ़ैन लगा था उसमें हम यहाँ पर फ़ैन वाले में लगा देंगे, जिसमें हमारा एलईडी लगा था उसमें एलईडी वाला लगा देंगे, और जहाँ से हमने अपने तीनों वायर को निकाले वहीं पर आपको इन तीनों वायर को लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। एलईडी, फ़ैन और ट्यूबलाइट का वहीं पर आपको लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, इधर उधर वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीनों वायर को एकदम अच्छे से लगा दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आपको बिल्कुल आसानी से वायर को कनेक्ट कर देना, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं, बिल्कुल आसानी से ऐसे कर देना है। अब क्या करना है कि हमको न्यूट्रल वाला वायर लगा देना है, न्यूट्रल पॉइंट में, जो लाइन वाला पॉइंट है उसको लगा देना लाइन वाले पॉइंट में, ठीक है। बस ये चीज़ करना, उसके बाद हमारी लाइट फिर से ऑन हो जाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि आपको इसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल आसानी से सीखना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने लाइन वाले वायर को छीन लिया है, हम न्यूट्रल वाले वायर को बिल्कुल आसानी से छीन लेंगे, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में जोड़ देंगे, लाइन वाला लाइन में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो आप लोग येलो वाले वायर देख रहे हैं काफ़ी था, इसमें हमको न्यूट्रल वाले वायर को जोड़ना है, तो इसको फटाफट से जोड़ लेते हैं। उसके बाद न्यूट्रल वाले वायर, उसके बाद लाइन वाले वायर को हम जोड़ेंगे लाइन वाले में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने न्यूट्रल वाले वायर को न्यूट्रल में जोड़ दिया है। अब क्या करना है, लाइन वाले वायर को लाइन में जोड़ देंगे, जो यहाँ पर इधर वाले जो हमारे स्विच लगे हुए हैं इसमें लाइन हमारे चल रहे हैं, मतलब जो बिजली से लाइन आ रही है उसमें लाइन चल रही है, तो उसी में इसको जोड़ देंगे, बस हमारी इस डिवाइस में लाइट आ जाएगी और हमारे जूम की भी लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते, जैसे हमने अपने लाइन वाले पॉइंट में लाइन को लगाया तैसे हमारी रूम की लाइट आ गई थी। अब क्या करेंगे, इसको बिल्कुल आसानी से फिटिंग कर देते हैं, उसके बाद हमारे जूम के अंदर जो लाइट आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जूम में लाइट आ चुकी है और हमारे डिवाइस में जो है लाइट आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। तो क्या करेंगे, इसको फटाफट से अच्छे से फुल टाइट कर देंगे, और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको किसी भी वायर को आपको ढीला नहीं छोड़ना, एकदम अच्छे से फुल टाइट करना, ठीक है। अब सारा कनेक्शन हमारा इसका बिल्कुल आसानी से कम्प्लीट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। अभी आपको ऑन ऑफ करके दिखाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सारी लाइटें बिल्कुल आसानी से ऑन ऑफ हो रही, जैसे मैंने पहले बोर्ड काम करता था वैसे ही हमारा सारा एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना, अपने एक मोबाइल को लाना है और इससे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, उसमें से आपको एक ऐप डाउनलोड करना, स्मार्ट लाइफ लिविंग करके एक ऐप आता है, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से डाउनलोड, तो इसको अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद इसको ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर इसको आपको एग्री कर देना है, यहाँ पर आपको परमिशन दे देना है, और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना देना है, लॉगिन कर लेना है या आपको साइन इन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा तो आपको यहाँ पर गो टू ऐप पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऐड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड डिवाइस पे आपको बिल्कुल आसानी से क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है लोकेशन, और आपको ब्लूटूथ और सब वाईफाई ऑन कर देना है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर आपको एक वाईफाई स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर एक वाईफाई स्विच लिखा हुआ मिल जाएगा, या स्विच वाईफाई लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपके वहाँ कोई वाईफाई लगा है तो आपको वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, उसके बाद उसका पासवर्ड डाल देना है। अगर आपके वहाँ वाईफाई नहीं लगा है तो आप लोग को क्या करना है, अपने मोबाइल के दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट खोलना, उसका वहाँ पर हॉटस्पॉट कनेक्ट करा देना, उस पासवर्ड डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने डिवाइस को क्या करना है, उसमें एक स्विच लगा हुआ है, उसको आपको स्विच को 2-4 सेकंड तक उसको दबाना है। उसके बाद ये हमारा उसमें एक लाइट जलने लगेगी, ब्लू कलर की एक लाइट जलने लगेंगी। उसके बाद आपको इसको यहाँ पर कंफर्म कर देना है, बस हमारा डिवाइस से मोबाइल बिल्कुल आसानी से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर प्रेस किया तो ऐसे लाइट यहाँ पर बंद हो गई, और इसको यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 2 मिनट का समय लगा। उसके बाद ये हमारा डिवाइस से मोबाइल बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, और हमारी जूम की सभी लाइटें बिल्कुल आसानी से ऑन ऑफ होने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें कनेक्ट हो चुका है। अब इसको उसके बाद यहाँ पर इसको डन कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्विच का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अभी स्विच का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्विच का ऑप्शन आ चुका है, जैसे अपने स्विच को ऑफ करते हैं तैसे हमारे यहाँ पर ऑफ हो जाता है, जैसे ऑन करते हैं तैसे यहाँ पर हमारी सारी लाइटें बिल्कुल आसानी से ऑन हो रही है, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ऑन करते हैं तैसे ऑन हो रहा है, जैसे ऑफ करते हैं तैसे ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऑन ऑफ करके दिखाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे अब हमने इसको ऑन किया तैसे लाइट ऑन हो गई, और जैसे इसको ऑफ किया तैसे ऑफ हो गई, ठीक है। अब आपको भी फैन चालू करके दिखाते हैं, उसके बाद हमारे एक ट्यूबलाइट और लगी है, एक लाइट और लगी, उसको ऑन करके दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हमारा मोबाइल से ये ऑन ऑफ हो रहा है। आप लोग ऐसे बिल्कुल आसानी से स्मार्ट रूम बना सकते हैं, और आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इसको गूगल असिस्टेंट के माध्यम से ऑन ऑफ करना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसको अपने गूगल असिस्टेंट से लिंक करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिंक होने में थोड़ा समय लगेगा, इसको लिंक करा देते हैं, फिर आपको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारा गूगल असिस्टेंट से कैसे ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देंगे, इसको एग्री लिंक कर देंगे, उसके बाद हमारा गूगल असिस्टेंट से भी ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लाइट वन, लाइट टू, या फैन ट्यूबलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, अपने गूगल असिस्टेंट से ऑन ऑफ कराकर देखते हैं कि हमारा कैसे ऑन ऑफ होता है। सो गाइस, तो यहाँ पर हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सभी लाइटों को एकदम अच्छे से फिटिंग कर दिया, हमने स्विच कनेक्शन कर दिया है। अब क्या है, इसको गूगल से ऑन ऑफ करवा के दिखाते हैं कि हमारी लाइट ऑन ऑफ होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गूगल असिस्टेंट को खोलते हैं और यहाँ पर इसमें कुछ बोलते हैं, गूगल सीलिंग लाइट ऑन। Sure, turning on the ceiling light. Google ceiling light off. Okay, turning the ceiling light off. Google ceiling fan on. Got it, turning on the ceiling fan. Google ceiling fan off. Got it, turning off the ceiling fan. Google LED bulb off. Okay, turning the LED light off. Google LED bulb on. All right, turning on the LED light. Google ceiling light on. Okay, turning on the ceiling light. Google fan on. Sure, turning the ceiling fan on. तो आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पर सारा कुछ एकदम हमारे हिसाब से कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग इसको मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर पहले फैन को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोग इससे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर स्विच बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हमारा फैन ऑफ हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे स्विच बिल्कुल आसानी से बने हुए हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी लोकेशन वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत फ्रेंड्स, जय हिंद।